ये दिखाइए एकदम पास से दिखा दीजिए जूम करके दोस्तों, देख सकते हैं बाइट भी कर दिए तो समझ सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं बाइट कर दिया और ब्लड भी यहाँ निकलने लगा तो समझ सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा रेस्क्यू टीम, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता है आप सभी का। दोस्तों मैं कुलदीप मिश्रा एक बार फिर से जियो को बचाने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों अभी जस्ट सूचना मिली कि कोई बेजुबान घर में प्रवेश कर गया है, लेकिन दोस्तों वहां तुरंत पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पर। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, निकाल दिखाते हैं कौन सा बेजुबान। लेकिन दोस्तों पहले उनके रूबरू करा दे जो हमको कॉल करके यहाँ बुलाए हैं। आइए सर, एक बार अपना नाम पता बताइए। तो आइए भैया, मैं पंकज पांडे, मैंने पारा पांडेपुरा का रहने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा आया, वहाँ खड़ा हुआ और उसके पैर के नीचे जो है वो सांप मुझे दिखाई दिया, तो मैंने तुरंत जो है संपर्क किया इनसे, ये आए और आगे की प्रक्रिया जो है जो भी बन पड़ी अपना कर रहे हैं। अच्छा, थाना बता दीजिए एक बार। थाना कादीपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर। सांप कब देखे, मतलब कितना देर समय? अभी लगभग जो है आधे घंटे पहले। तो दोस्तों देख सकते हैं, चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं बेजुबान है कौन सा। दोस्तों अभी 10 मिनट पहले इस सांप को देखा गया था और तुरंत हमको सूचना दिया गया, लेकिन दोस्तों ये तो है काफी रिक्सी काम, तो समझ सकते हैं सांप पकड़ना कितना रिक्सी है। उससे पहले अपना आई जो है एकदम स्थिर करके रखिए, क्योंकि क्या पता आज का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। दोस्तों सांप पकड़ना काफी रिक्सी काम होता है, ऐसे में खतरा बना रहता है और जब मौत आती है किसी से बता के नहीं आती है। लेकिन दोस्तों आज बहुत पावन दिन है, समझ सकते हैं साल भर का त्योहार है। दोस्तों हमारे तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भैया हमारे इस ग्रामवासियों को हैप्पी होली। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, चलते हैं दोस्तों सांप के करीब में, देखते हैं वो सांप है कौन सा। आइए प्लीज दोस्तों देख सकते हैं वही सांप है जिसको हमारे भैया जी देखे हैं। दोस्तों देख सकते हैं, इसको देख के आप लोग पहचान गए होंगे कौन सा सांप है। लेकिन दोस्तों अगर नहीं पहचाने होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों अपने भारत देश का एक ऐसा सांप है, इसी को कॉमन सैंड बोवा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसकी रफ्तार बहुत धीमी गति से होती है, तो समझ सकते हैं भाग नहीं पाता बहुत तेजी से। ज्यादातर मिट्टियों में रहना पसंद करता है और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना निवाला बनाता है। तो चलिए दोस्तों अब समय को ना वेस्ट करते हुए इसे हम पैक करेंगे यानी रेस्क्यू करते हैं। दोस्तों एक चीज ये भी बता दें, ये जहरीला नहीं होता, इसके काटने के बाद भी कुछ नहीं होगा। तो समझ सकते हैं पहली बात तो जल्दी काटता नहीं, और काटता भी है तो कुछ होगा नहीं। तो समझ सकते हैं काफी प्यारा सांप होता है। दोस्तों इसी का एक प्रजाति और है रेड सैंड बोवा, दोस्तों जिसे दो मुहा के नाम से जानते हैं भारत देश में, अपने दो मुहा सांप जिसे बोलते हैं। लोग कहते हैं कि उसकी तस्करी होती है यानी वो करोड़ों में सांप जाता है, लेकिन दोस्तों सरासर अंधविश्वास है, आप लोग उस अंधविश्वास के चक्कर में ना रहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों काफी प्यारा सांप है अभी, और दोस्तों सांपों को बचाना अपने पर्यावरण को संतुलित करना है, तो समझ सकते हैं सांपों की प्रजाति विलुप्त हो रही है, जिससे दोस्तों 60% दवा निकाल के भारत में बनता है सांप के जहर से। तो समझ सकते हैं अगर जहर यानी वो सांप नहीं रहेगा तो फिर वही दवा अगर विदेश से आएगी तो लोग इलाज नहीं करवा पाएंगे। दोस्तों अभी भी अपने भारत में इतने गरीब परिवार हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद शाम को दो रोटी मिलती है, तो समझ सकते हैं। चलिए इसे फाइनली पैक करेंगे। दोस्तों काटता नहीं, बहुत शांत स्वभाव का सांप होता है, तो चलिए अभी इसे पैक करेंगे। भैया डिब्बो बुलाइए। दोस्तों देखते हैं भैया, कैमरा मैन फोकस करिए, इसको दिखा दीजिए पास से। दोस्तों कॉमन सैंड बोवा, दोस्तों ये बहुत धीमी गति से चलता है। दोस्तों एक बार हम इसे देखे, दोस्तों रसल वाइपर के जैसा होता है, समझ सकते हैं वैसे ही छटकता है, लेकिन दोस्तों रसल वाइपर का जंपिंग तेज होता है और जहरीला होता है, यमराज है, लेकिन दोस्तों उसी की तरह ये है। और दोस्तों पहचानने में गलती ना करें, भैया दिखाइए एकदम पास से दिखा दीजिए जूम करके। दोस्तों देख सकते हैं बाइट भी कर दिए, तो समझ सकते हैं। तो भैया दिखा दीजिए कैमरामैन अच्छे से। दोस्तों एक काटता भी है, खतरा महसूस होने पर या खतरा लगने पर ये बाइट करता है, तो समझ सकते हैं लोग अपने बचाव के लिए किसी पर अटैक करते हैं। अभी हमको आपको कोई आके दो झापड़ मारने लगे तो हम लोग भी अपने बचाव के लिए उस पर अटैक करेंगे, कहीं हमको मार ना दे। दोस्तों इसके अंदर जहरीला दांत होता नहीं, आपको दिखा दें। चलिए जाने दीजिए, सांप को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं बाइट कर दिया और ब्लड भी यहां निकलने लगा, तो समझ सकते हैं ये बाइट कर दिए।
तो चलिए दोस्तों इसे फान लिए पैक कर देंगे बिना भी काट ले कोनो दिक्कत ना होई हो कुछ ऊ तारीफ ने भैया जी मु बाबा समझ सकते हैं दोस्तों। रसल वाइपर की परिजात से विलोम करता है तो समझ सकते हैं रसल वाइपर जैसा होता है और रसल वाइपर की परिवार से है और उसी का तरह इसका स्वभाव होता है। लेकिन दोस्तों रसल वाइपर थोड़ा सा फुर्तीला होता है और जंपिंग उसका तेज होता है और ये थोड़ा सा शांत स्वभाव का होता है। ये भागता बहुत धीमी गति से है। तो चलिए दोस्तों अब इसे फाइनली पैक कर दें। अरे सूजन है दोस्तों काफी अद्भुत सांप है। ऐसा सांप देखने को बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। ये ज्यादातर मिट्टियों में रहना पसंद करते हैं, बाहर नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों रात को ये भोजन के तलाश में निकलते हैं तो समझ सकते हैं। चलिए इसे पैक कर दिए हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है दोस्तों। आपका एक कमेंट हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करके जाता है तो समझ सकते हैं कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय। लेकिन आप कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए थैंक यू बाय बाय गुड नाइट। दादा खून निकाल ले काट के। तो नहीं दुकान से बुलाया तब कुछ नहीं होगा। बाकी भैया कौनो सांप अगर काटा है डायरेक्ट हॉस्पिटल के सहारा ले है, कौनो झाड़ फूक कौनो तंत्र मंत्र कुछ वीडियो देखे हो पर सब जानकारी मिले। जानकारी पूरा भंडार रेस्क्यू टीम सर्च कर लिया।